घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। सुनो जी, बाहर रह रहे के अंदर से आप बहुत कमजोर रह गए हैं। यूं ऐसा कह रहा हो, आपको कोई ना आयो। आधा दर्जन लस्सी और 2 लीटर पेड़ा गुरु पैक कर दे। रोज तो तुम्हें इस बात की शिकायत होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होता, और आज जब मैं इतना भरपूर टाइम दे रहा हूं तो कह रही हो जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। ओम चटाई वाले चटाई लपेट के स्वाहा, ओम चटाई वाले चटाई लपेट के स्वाहा, ओम चटाई वाले चटाई लपेट के स्वाहा। जी आप क्या कर रही है रानी जी? आपने मेरो जप भंग कर दियो जे अच्छो ना कियो। जप? ओहो जप जप। अच्छा, लेकिन ये जप क्यों कर रही हैं? आपको सद्बुद्धि मिले जा मारे जप कर रही हूँ, यही प्रार्थना कर रही हूँ। तो मतलब मेरे पास बुद्धि नहीं है ना? बुद्धि तो है लेकिन अच्छी वाली बुद्धि ना है। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, आपको अच्छी वाली सद्बुद्धि दे। अच्छी वाली सद्बुद्धि करो, जब करो जब करो, जब ध्यान लगा के करना। आप जाओ। सद्बुद्धि, अच्छी वाली बुद्धि मतलब सद्बुद्धि। शन्नो शन्नो शन्नो। दादी जी अंदर कमरे में जाप कर रही है। आपको पता नहीं है दादी जी ना हर टाइम सोती रहती है और हमसे चाय बनवाती रहती है, नहीं तो जाप कर रही है। पक्का? हाँ, तू ध्यान रखना कोई उसको परेशान ना करे। हाँ ठीक है ठीक है दादी जी ठीक है। लाला जी के आने का शुभ मुहूर्त आ गया है। पूजिया लाला जी आ गए आ गए आ गए। पूजा लाला जी आपका स्वागत है। लाला जी आपकी दुकान पर आपका स्वागत है। आपका आना इतना अच्छा लगता है जैसे बिना पैसे जमा कराए ब्याज का मिल जाना। अच्छा जे बताओ, धन्यवाद के रूप में क्या लेना पसंद करोगे? धन्यवाद गुलाब जामुन के रूप में भी हो सकता है। वैसे पेड़ा भी दौड़ेगा। अच्छा रसिया तो दौड़े ना, खिलाओ यार खिलाओ। लाला जी आपका जवाब नहीं। पर मेरा एक सवाल है। पूछिए पूछिए अवश्य पूछिए। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है आप हमारा भला चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। लाला जी आप तो महान हैं, आप किसी की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? अच्छा मान लो यही बात, कोई हमसे कहे कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे तो इसका मतलब? तो इसका मतलब है वो आदमी आपका पूरा भला चाहता है। हाँ
वो हमारी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। आपकी बेइज्जती कोई कैसे कर सकता है? अरे आप तो महान है लाला जी। अच्छा अच्छा, यही बात कोई और आपसे कहे तो? अरे लाला जी किसकी मजाल है जो हमसे कोई ऐसा कह सके। अरे हमने लोगों को पानी वाला दूध पिलाया है और खुद शुद्ध दूध पिया है। गुड्डी जी आप ले रसगुल्ले लाया हूँ। जिंदगी में पहली बार इस तरह पूजा पाठ करते हुए देख रहा हूँ। अरे गुल्टी जी पूजा पाठ बाद में करेगा, पहले रसगुल्ले खाइए, लीजिए ठंडे हो जाएंगे। अच्छा सुनना चाहती है? हाँ हाँ लीजिए सुनिए। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? अरे रसगुल्ले। बात बताइए गुल्डी जी, आज तक तो मैंने आपको पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा इस तरह। हाँ, अरे हम तो रोज पूजा पाठ करती हैं। हाँ? जब आप घर पे नहीं होते तब। हमारे सामने क्यों नहीं? आपके होते हुए जब हम आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है। तो लगता है? तो ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है। हमें शर्माती है। अरे बोलिए ना, आप और मैं ही है इस कमरे में, बोलिए ना। आप हमारे सामने। हम आपके सामने? आप हमारे सामने रसगुल्लों से भरा हुआ दोना लिए खड़े हुए हो। रसगुल्ले का दोना लिए हुए खड़े हुए? हाँ। अब आप ही बताइए ना, ऐसे में पूजा पाठ कैसे हो सकती है? अरे पूजा पाठ नहीं हो सकती ऐसे में। हाँ आपका ध्यान कहाँ लगेगा पूजा पाठ में? वही तो। आपको पता है हमने एक फिल्म देखी थी। कौन सी? बहुत पुरानी थी। हाँ नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हीरोइन का भी ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग रहा था। लेकिन वो हीरोइन नहीं थी, उसकी हमशक्ल थी। हाँ गुंडे लोग हीरोइन को किडनैप कर ले गए थे और उसकी जगह हीरोइन की हमशक्ल को हीरो के घर भेज दिया था। हाँ उसका भी ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग रहा था, उस हमशक्ल का। और आपका भी ध्यान नहीं लग रहा है। आप गुल्टी जी हैं या उनकी हमशक्ल? अरे अगर हम शक्ल होते तो आपके सवाल का जवाब हाँ में क्यों बोलेंगे? हाँ लेकिन आप हाँ में तो जवाब दे सकती है ना? हाँ ठीक है, तो हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आप हम शक्ल हैं कि नहीं, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आप हमारी पत्नी गुल्टी जी है कि नहीं। नहीं नहीं है? नहीं भी बताएंगी तो भी राज तो खुल ही जाएगा ना। राज? कौन सा राज बताइए ना। ये मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? अरे अगर मैंने राज बता दिया तो राज राज थोड़ी ना रहेगा। हाँ अगर आपने बता दिया तो राज राज नहीं रहेगा, लेकिन हम तो परेशान रहेंगे ना कि आप वो है कि नहीं, आप वो कब से हैं, आप वो क्यों हैं, उस वो होने का कारण क्या है। अरे हाँ आप बिना फिल्म में देख देख के आपका दिमाग खराब हो गया है, आप जाइए अपना काम कीजिए। ठीक है, लेकिन ये कौन कह रहा है, गुल्टी जी या उनकी हमशक्ल? ये हम बोल रहे हैं और आपके लिए इतना ही काफी है। हाँ, ये तो सच है, हमारे लिए इतना ही काफी है। तो हम जाते हैं, हम बाजार जा रहे हैं दुकान के कुछ सामान खरीदने। दो घंटे भी लग सकते हैं, तीन घंटे भी लग सकते हैं, चार घंटे भी लग सकते हैं। आप वापस तो आएंगे ना? हाँ ठीक है, तो अपना काम निपटाइए और वापस आ जाइए। ठीक है। मेरा टिकट किसी और को दिलाकर मुझसे बहाने बनाते हो? अगर मुझे चुनाव का टिकट नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ऊपर जाने का टिकट काट दूंगा। क्या 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 कह रहे हो? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। गुरु ये प्यारेलाल शर्मा जो है वो आपको चुनाव का टिकट दिलाने वाला था, उसका क्या हुआ? अच्छा याद दिलाया, फोन लगाता हूँ।
इसमें तो प्यारे लाल शर्मा का नंबर ही नहीं है। तुम लोगों ने कहीं मेरे मोबाइल से छेड़खानी तो नहीं की है? भैया जी, छेड़खानी के खिलाफ जब से सरकार ने कानून बनाया है तब से मैंने कभी भी किसी भी मोबाइल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। रोसले, मैं तो कभी अपने खुद के मोबाइल को भी नहीं छेड़ता हूँ गुरु। भैया जी, प्यारे लाल शर्मा जी का नंबर मैं देता हूँ, आप अपने मोबाइल से फोन करिए। हाँ, अच्छा आइडिया है, निकाल। हेलो, मैं चिल्टू सतरंगी बोल रहा हूँ। सतरंगी? रंग रोगन का काम है क्या? अरे नहीं यार, मैंने कल आपको 500 प्लेट नाश्ते का ऑर्डर दिया था, मेरा ऑर्डर तैयार हो गया क्या? अरे कल तो सिर्फ एक आदमी के दो दांत तोड़ने का ऑर्डर मिला था, वो तो हमने कल ही पूरा कर दिया। भाई ये कोई नया न्यू ऑर्डर है क्या? हेलो हेलो हेलो, भैया जी, ये प्यारे लाल शर्मा जी का नंबर मिल गया, आप जल्दी से उनको फोन करिए। हाँ मिल गया, दिखा था। 2 2 30 2 2। हेलो हेलो, हाँ शर्मा जी, गोला। क्या बोला? बोला नहीं, गोला गोला भाई। शर्मा जी, मेरे टिकट का क्या हुआ? लोकसभा में बैठने के सपने देखते हो और चुनाव के टिकट के पैसे देने में नानी मरती है। मैंने कब कहा कि पैसे नहीं दूंगा? लो कर लो बात। बोले, जब मैं चुनाव के टिकट की बात कर रहा था तो तुम दुबई का टिकट मांग रहे थे। दुबई का टिकट हमने कब मांगा? हाँ, मैं तुम्हें इलेक्शन में खड़ा करवाना चाह रहा था और तुम हवाई जहाज में खड़ा होने की बात कर रहे थे। मैंने ऐसा कहा? हाँ, अब तुम्हें चुनाव के टिकट का ख्याल आया है, जब वही चुनाव का टिकट मैंने किसी और को दिलवा दिया। क्या? मेरा टिकट किसी और को दिलाकर मुझसे बहाने बनाते हो? पर याद रखना, अगर मुझे चुनाव का टिकट नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ऊपर जाने का टिकट काट दूंगा। क्या कह रहे हो? कर्तव्य, जिस कबूतर को हमने अपने अड्डे पर कैद कर रखा है उसके अंडे का फोन आया? मतलब उसके बेटे का फोन आया? गुरु अभी तक तो नहीं। भैया जी, एक बार उसे कॉल कर लीजिए। गुरु, हम अगर बार बार कॉल करेंगे तो उसे लगेगा कि हमें गरज है। तेरी बात सही है, हम उसके फोन आने का इंतजार करेंगे। बैठ जाओ। हेलो, आपके 25 लाख रुपए तैयार है, कहाँ भेजने हैं? क्या कहा, फिर कहिए। अरे आपके 25 लाख रुपए कहाँ भिजवा दूँ? कहाँ का क्या मतलब है? हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। अरे हमें मथुरा में कौन नहीं जानता, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले की मिठाई की दुकान है ना, वो हमारी है। हाँ, वहाँ चौरसे जी मिठाई बनाने होंगे, उनसे पूछ लीजिए, भेज दीजिए और जल्दी भेजिए। हमारी तो निकल पड़ी, 25 लाख की लॉटरी लग गई। हाँ गुलटी जी को बता दो। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो लॉटरी जी, हमारी 25 लाख की गुलटी निकली है। क्या? नहीं, मेरा मतलब, हेलो गुलटी जी, हमारी 25 लाख की लॉटरी निकली है। सच? हाँ। सुनो, एक आदमी 25 लाख लेके आने वाला है घर पे, तुम पैसे लेकर संभाल के रखना और मैंने आने तक हाथ मत लगाना, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। हो जाऊं क्या? हो जाओ। नहीं, तुम अगर बेहोश हो गई तो दूसरों को कौन बताएगा कि हमारी लॉटरी लगी है? वही तो, तुम्हें सबको बताना है, सबको बता दो कि हमारी लॉटरी लग गई है, 25 लाख की। ठीक है, आप रखिए, मैं अभी देती हूँ। अरे माँ जी, अरे जी जी, ये की, अरे बिंदिया, कोई आ ही नहीं रहा है। अरे मैं जाती हूँ। अरे मा...
अभी इसके बेटे को फोन लगाकर अभी 25 लाख मांगता हूँ। पकड़ो। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे माँ जी, अरे जी जी, अरे शन्नार विद्या। क्या हुआ? अरे क्या कर रही है? तू कैसा? ठीक तो है? ठीक तो है। हुआ क्या है? बोलिए। सब ठीक तो है? नहीं, हम तो खुशी के मारे चिल्ला रहे। चिल्लाने की बात मत करना। अरे चिल्लाते तो गिट्टे के फूफा जी थे। अम्मा एक बार इतना चिल्लाए कि चिल्लाते चिल्लाते चले ही गए। हम तो डर ही गए थे। आखिर हुआ क्या है? अरे हम क्या बताएं? गिट्टे के पापा को 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। तेरे बेटे का फोन अभी तक नहीं आया। तो इसके बेटे का फोन नहीं आया, इसका मतलब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ठिकाने मत लगाइएगा, मैं घर का रास्ता भूल जाऊंगा। अरे तो उसने कॉल क्यों नहीं किया? अरे उसने नहीं किया तो तुम लोग करके देख लो ना उसे कॉल। तो इतना बड़ा क्रिमिनल इतने छोटे आदमी के बेटे को कॉल करेगा तो इज्जत का बट्टा तो नहीं लगेगा ना? गुरु 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 इज्जत नहीं, कैरियर को देखो गुरु, कैरियर को। सही कहा। तो मैं अभी इसके बेटे को फोन लगाकर अभी 25 लाख मांगता हूँ। पकड़ो। बी से बेटा। किधर गया बेटा? अरे इसमें तो बेटा का नंबर ही नहीं है। भैया जी, इसमें बेटा कहां से आ सकता है? अरे बेटे का कुछ नाम तो होगा, नाम से ढूंढिए। ए बुढ़े, तेरे बेटे का नाम क्या है? टन 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 टी से टन टन टी से टन टन। किधर गया टन टन? अरे इसमें तो टन टन का भी नंबर नहीं है। तुम्हारे टन टन का नंबर क्या है? नंबर मोबाइल में फीड है, अरे दिमाग में नहीं। अरे ये सब क्या हो रहा है? गुरु कंफ्यूजन, गुरु कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। घंटी मोबाइल। अरे ओहो, वो मोबाइल तो हाथ में है। 1 किलो रसगुल्ले चाहिए, भिजवा सकते हो? अभी अगर दोबारा तुमने इस रसगुल्ले का नाम लिया ना तो रस में डुबो डुबो के मारेंगे। क्या बात है गुरु? अरे कोई पागल है रसगुल्ले की बात कर रहा है। रसगुल्ले? भैया जी, मुझे तो लगता है कि आपका मोबाइल गलती से किसी और की मोबाइल से बदल गया है। हो सकता है, पर मेरा मोबाइल वापस कैसे मिलेगा? उस आदमी को कॉल करके आपका मोबाइल वापस मंगा लेंगे। पर उस आदमी का नंबर कहां से मिलेगा? भैया जी, आप उसकी मोबाइल से मेरी मोबाइल पे कॉल करिए, उसका नंबर मेरी मोबाइल में आ जाएगा। एक बार हम संसद पहुंच जाएं, फिर ये कानून बनवा देंगे कि मेरा नंबर हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले।
आ गया उसका नंबर मेरी मोबाइल पे आ गया। ला ला ला। अपना मोबाइल दे, अभी उसे कहता हूँ कि वो अपना मोबाइल मुझे दे और मेरा मोबाइल ले जाए। ले ले ले, बात कर, जिसका भी फोन है क्या भैया बिजी है, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं, बाद में कॉल करना। ए सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बोला ना आधे घंटे बाद कॉल करना। देख सुन ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ए अंजाम क्या तेल लेने, धमकी दी ना तो घर में घुस के मारूंगा। क्या हुआ भाई जी, क्या हुआ? अरे सामने वाली पट्टी हमसे भी ज्यादा खतरनाक। ओ गुरु, ये आपको कैसे पता? क्योंकि उसने मुझसे कहा कि अंजाम गया तेल लेने, धमकी मत दे वरना घर में घुस कर मारूंगा। भैया जी ये बात तो अभी अभी मैंने कही थी इस मोबाइल पे। तुमने कही थी? इसका मतलब ये हुआ कि जब तूने उसका नंबर डायल किया तो इस मोबाइल पर फोन आया। ठीक 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 गुरु। और मैंने तुझे सामने वाली पार्टी समझकर तुझसे ही बात कर ली। ठीक ठीक, तो अब हमको क्या करना चाहिए? गुरु आपको खुद आपके ही नंबर पर डायल करना चाहिए था, जो अभी उसके पास है। सही कहा, लो मेरा मोबाइल। तो जिसे गोला, जिसे गोला। अरे उसके मोबाइल में तो हमारा नंबर ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बहुत घमंडी है, हमारा नंबर नहीं रखता। गुरु एक बार मिल जाए फिर निपट लेंगे उससे। एक बार हम संसद पहुंच जाएं फिर ये कानून बनवा देंगे कि मेरा नंबर हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। गुरु हर किसी के पास में आपका नंबर होगा तो पुलिस यू ढूंढ निकालेगी हमको, लेकिन मिलने के बाद सलाम ठोकेगी। घंटा कह रहे हो तो बाकी लॉटरी के पैसा लेके कोई आदमी आने वालों है। हाँ कहा तो था। तो आयो ना बेतक क्यों? हाँ दादी, हो सकता है कि वो हमारा घर ढूंढ रहे हो।